नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज मैथ के अंदर 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपने कुछ सवाल इसके कर लिए थे और साथ में इसका बेसिक किया था। अगर आपने वो पीछे वाला भाग नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, उसको आप देखने के बाद में ये वाला भाग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले सवाल के अपन 4 सवाल पीछे वाले वीडियो तक कर चुके थे, आज अपन इसका करेंगे आगे के सवाल। आगे के सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से आपके आपको मैंने जैसे बताया एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छी तरह करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो निश्चित तौर पे इसमें से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं अगला, जो 4 सवाल तक अपन कर चुके थे इसका देखते हैं नेक्स्ट 5वां सवाल। देखो 5वें सवाल में अपने को क्या दिया हुआ है, t²-15 ये दे रखा है। और आपको सवाल जैसा कि अपन कर रहे थे, सवाल के अंदर देख लो क्या दिया है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए, यानी पहले इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं और फिर शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है, यानी इसके बीच में सत्यता की जांच भी करनी है कि जो अपन शून्यंक निकालेंगे उन शून्यंकों का योगफल और उन शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है किसके, -b/a और c/a के, ठीक है। तो उसी भाग को अपन आगे चला रहे हैं और यहां पे कर रहे हैं ये सवाल। तो यहां पर आप देखेंगे तो इस पद को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्या t²+0t-15। देखो दूसरे वाला पद नहीं था, इसका मतलब उसका मान क्या है, जीरो है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं abc का मान लिखेंगे तो बताओ क्या आएगा, यहां पर a बराबर आ जाएगा कितना, जो स्क्वायर वाले पद के साथ होता है, यहां कुछ नहीं है इसका मतलब एक। दूसरा है बी बराबर, बी का पद ही नहीं है, देखो सिर्फ टी वाला पद ही नहीं है, तो पद नहीं है इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो। और उसके बाद में लास्ट है सी का मान, सी का मान क्या है, -15। कितना है, -15। तो इस तरह से आप एबीसी के मान निकाल सकते हैं। अब अपन सवाल को हल करेंगे, तो सवाल बहुत ही आसान है। यहां पर देखो अगर अपन हल करते हैं, ये दिया हुआ है t²-15 को, तो जीरो से हल करने की बराबर अपन मान लेते हैं यहां पर क्या है कि इसको अपन बराबर इसी को मान लिया जीरो, तो t² बराबर क्या आ जाएगा, 15 इधर जाएगा तो माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का, स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो स्क्वायर क्या आ जाएगा, √15 और प्लस माइनस। देखो प्लस माइनस क्यों लगा है, जब स्क्वायर है तो इसके दो पद होंगे, द्विघात समीकरण है ना, x² है, तो दो पद कौन से होंगे, एक प्लस का √15, एक माइनस का 15, ठीक है। तो ऐसा जब भी आपको t² का इस तरह से x² का मान निकालना पड़े और यहां पे एक संख्या हो, तो स्क्वायर का मतलब दो पद होंगे, एक माइनस का और एक प्लस का, दोनों ही होते हैं। क्यों होते हैं, देखो माइनस का क्योंकि -15 है, ठीक है, इस -√15 का स्क्वायर करते हैं तब भी प्लस का 15 आएगा, और अगर प्लस का 15 है इसका स्क्वायर करेंगे तब भी सिर्फ 15 आएगा। जैसे अपने पीछे वाले प्रश्न में सीखा था ना, √3 का स्क्वायर करते हैं या √3 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, वैसे माइनस का √15 का स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा, 15, और सिर्फ 15 है इसका स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, तो माइनस और प्लस दोनों ही संख्याओं का स्क्वायर करने पर प्लस का 15 आता है। तो देखो यहां पर प्लस का 15, माइनस का स्क्वायर किया तब भी आया, प्लस का स्क्वायर किया तब भी आया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अपने शून्यंक आ गए। अब इस शून्यंक के बाद में अपन आगे देखें, यहां पे अपन जांच करते हैं संबंध की जांच या सत्यता की जांच, वो आपको बता रखा था क्या करना है, योग शून्यंकों का योग। योग का सूत्र क्या होता है, α+β, α+β बराबर क्या होता है, -b/a। मान रख दो अल्फा का मान कितना है, एक तो √15 है और एक माइनस का √15 है, तो यहां पर मैंने रखा, एक तो रख दिया √15 माइनस का और दूसरा रखा √15 प्लस का, बराबर क्या है, -b। बी का मान कितना है, 0, तो -0/a का मान कितना है, a का मान 1, तो 0/1, किसी भी संख्या में ऊपर 0 आ गया इसका मतलब 0, और ये 15 से इस 15 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लस का 15 और माइनस का 15 0, तो 0 = 0। तो पहला संबंध तो जांच हो गया कि इसका योग बराबर है, यानी इसके शून्यंक निकाल के उसका योग करें या डायरेक्ट सूत्र से योग करें तो क्या होंगे, दोनों बराबर। इसके बाद इसकी गुणा की जांच करते हैं, यानी गुणनफल, यानी α/β बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान अभी निकाला था माइनस का √15 और इसका मान है √15 बराबर c/a। सी का मान कितना है, -15,
बटे ए का मान एक। अब देखो अभी जैसे बताया था अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से ही गुणा करें या अंडर रूट 15 का स्क्वायर करें, कितना आ जाएगा 15। लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस का, और ये आ जाएगा 15। और इधर भी क्या है, माइनस 15 में एक का भाग देंगे तो क्या रहेगा, माइनस 15 ही रहेगा। तो इस तरह से इसका दूसरा सवाल भी, मतलब आप इसका सत्यता की संबंध की जांच भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था इसका पांचवा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो पहले अपन क्या करेंगे, इस तरीके से इसके शून्य ज्ञात करेंगे। देखो शून्य कौन सा है, यहां पर लिखना चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, ये हो गया माइनस 15 और जो दूसरा है टी का मान वो आ जाएगा प्लस का अंडर रूट 15। दो शून्यक आ गए इसके। अब दोनों शून्यक से आप इसके संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं या संबंध की जांच इस तरह से कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कीजिएगा। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसका छठा सवाल, अंतिम ये सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। छठे सवाल में आपको दे रखा है 3x² - x - 4। अब यहां पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एबीसी के मान निकाल लेते हैं। बताओ ए बराबर कितना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है यानी 3। बी बराबर कितना है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब एक तो है ही है, एक्स नहीं लिखना है, ध्यान रखना एक्स लिखते ही सवाल गलत, लेकिन इसके आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस एक। और सी बराबर कितना है, माइनस का 4। ए बराबर 3 ये रहा, बी बराबर ये माइनस का 1 और सी बराबर माइनस का 4। अब अपन इस सवाल को हल करेंगे। देखो एक बार लिख लेते हैं, फिर इसको हल करने का तरीका भी देख लेते हैं। यहां पर देखो मैंने लिख दिया 1x, ये इस तरह से पूरा सवाल को 1x, ये एक इसका मान हो गया, इसके आगे माइनस एक है। तो अब देखो अपन वो द्विघात समीकरण लगाएंगे, गुणा कराने पर पहले इसको इससे गुणा करा लो, यानी 3 को गुणा किया माइनस 4 से तो कितना आ गया, माइनस का 5, और यहां पर है माइनस 1, तो माइनस का 12 आ गया। मतलब कोई ऐसी संख्या जिसको गुणा कराने पर तो आना चाहिए 12 या माइनस 12 कह सकते हैं, और यहां माइनस की संख्या, इसका मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो संख्या सोच के देखो, तो मैंने सोच लिया 4 × 3, तो 4 को 3 से गुणा कराते हैं तो 12 और 4 में से 3 घटाते हैं तो 1। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कौन सी संख्या माइनस लेनी है, कौन सी संख्या प्लस लेनी है। तो देखो घटाने पर संख्या क्या आ रही है, माइनस का 1, इसका मतलब बड़ी संख्या के आगे चिन्ह ही होना चाहिए। तो आपने जो संख्या बनी है वो है माइनस की 4 और 3, ये हैं इसके दो फैक्टर, ठीक है। अब अपन इसको इस तरह से करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर इस तरह से लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4। अब आपको एक नहीं लिखना है, इस एक के अपने दो टुकड़े कर दिए, माइनस 4 और 3, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो यहां से मैंने कॉमन लिया तो x आ गया, तो x कॉमन लेते क्या बचा, 3x - 4, प्लस यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एक को कॉमन ले लिया, तो ये 3x, जब एक कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तब भी कॉमन लेना है, एक कॉमन ले लेंगे। अब यहां से कॉमन आ रहा है 3x - 4 और पीछे बचेगा क्या, x + 1। अब अपन तरीका लगाएंगे, यदि 3x - 4 = 0 हो तो x बराबर कितना आएगा बताओ। अगर इस पद को 0 रखते हैं तो 4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का, ये देखो 4 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ये पहला मान आ गया अल्फा का। दूसरा लगाते हैं, और यदि x + 1 = 0 हो तो x - 1, देखो एक को इधर लाएंगे प्लस का, इधर लाएंगे तो माइनस का, तो दोनों मान तो अपने पास आ गए। अब अपने को क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो देखो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, संबंध की जांच करनी है, अभी आपको बताया था उसी तरह से करना है। सबसे पहले अपन योग की जांच करेंगे, योगफल की क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ए। रख के देखते हैं क्या इसके बराबर आ रहा है क्या। देखो अल्फा का मान कितना है, ये रहा 4/3, और बीटा का मान कितना है, -1 यानी +-1 बराबर माइनस बी बटे, बी का मान कितना है, माइनस का 1, ये माइनस लगा है सूत्र का, इसका मान है -1/a, का मान कितना है 3, तो यहां लगा दिया 3।
अब इसको करेंगे लघुतम लेके हल, तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस। अब इसमें से क्या करना है, 4/3 में से एक घटाना है, तो देखो 4/3 में से एक कैसे घटाएंगे, 1/1 लघुतम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये 4 रहेगा माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1/3, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ गया 1/3 और बराबर कितना है 1/3 है, तो ये तो बराबर हो गया। ये देखो इसको लघुतम लेके यहां आपको हल करके बताया। अब इसकी जांच करते हैं गुणा की, गुणा क्या होता है कि अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। रख के देखते हैं अल्फा का मान कितना है 4/3 और इसका मान -1 बराबर कितना है सी बटे, सी का मान कितना है -4 और बटे ए का मान 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा और बहुत ही आसान से देखो यहां पर आ गया। अब इसको 4/3 को -1 से गुणा करेंगे तो -4/3 और बराबर में कितना है -4/3, तो ये इसके गुणा की जांच होगी। तो ध्यान रखना है हमेशा आपको कि अपन उसके जो शून्यांक निकालेंगे उस शून्यांक निकालने के बाद में अपन उसको जोड़ के देखें या गुणा करके देखें तो अपन सीधा सूत्र से निकाला था जो वही तरीका अपन इसको कर सकते हैं, यानी शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/ और शून्यांकों की गुणा होती है c/a। ठीक है, तो आपको इस संबंध की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस तरह से, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, उसके शून्यांक निकालने हैं अपन इस तरह से, जैसे अपन द्विघात समीकरण को हल करते हैं उसी तरह से अपन x के मान निकाल लेंगे। द्विघात समीकरण है तो 2x के मान आएंगे, दोनों मान हमने निकाल लिए। मान निकालने के बाद में अपने को क्या करना है, इसकी संबंध की जांच करनी है। सिंपल सी है बिल्कुल, अगर शून्यांक दो आ गए, पहला शून्यांक ये है और दूसरा शून्यांक ये है, इनको जोड़ने पर -b/a के बराबर होना चाहिए, तो हमने ये करके देख लिया। दूसरा है अगर इसकी गुणा करें तो c/a के बराबर आना चाहिए, तो ये भी हमने करके देख लिया, ये भी बराबर आ रही। तो इस तरह से आप किसी भी सवाल के अंदर शून्यांक ज्ञात करके उसके संबंध की जांच इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी सवाल इसमें पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से करना है। तो उम्मीद है ये पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, बहुत ही आसान सा दूसरा सवाल है। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं, एग्जाम में भी जब आप सवाल करेंगे, कोई एग्जाम में आपके पेपर आता है, पेपर कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपको पहले बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर को एनालिसिस करना है, मतलब पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। कई बार पेपर पढ़ने में ही गलती कर देते हैं तो वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, आपको द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यांकों का योग, यानी शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको कर्म से दिया गया है, यानी पहले से ही शून्यांकों का योग और गुणा करके दे रखा है, आपको सिर्फ इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमने बात की थी द्विघात बहुपद का क्या सूत्र होता है, द्विघात बहुपद, जब अपने स्टार्टिंग में इस प्रश्नावली का बेसिक किया था उसके अंदर किया था, यह होता है x² - शून्यांकों का योगफल और इसके साथ लगाते हैं x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, बस इस सूत्र में मान रख दो सारे सवाल हो जाएंगे। जैसे पहला सवाल है इसका, देखो यहां पर आपको दे रखा है 1/4 और -1, तो यहां आपको शून्यांकों का योग दे रखा है, शून्यांकों का योग, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है जिसका मान कितना है 1/4 और शून्यांकों का गुणा, गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा जिसको लिख देते हैं, जो कितना है, जो यहां पर आपको दे रखा है -1। आपको सिर्फ द्विघात बहुपद का सूत्र लगाना है, द्विघात बहुपद को कैसे लिखते हैं, द्विघात बहुपद देखो अपने दो तरीके सीखे थे, एक तरीका ये भी लिख सकते हैं x² - α+β इसके साथ x + α β, मान रख दो इसके अंदर बहुत ही आसान से तरीके से x² की जगह x² रखना है, -α+β का मान कितना है 1/4 और इसके साथ लगाना x + α β का मान -1,
तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे चार एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस एक। अब यहां पर अपने को क्या कहा जाता है कि समीकरण जो लिखे आंसर वो सरल समीकरण होनी चाहिए। सरल का मतलब उसके बट्टे में कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर आपके बट्टे में संख्या आ रही है तो अपन क्या करेंगे, इस बट्टे की संख्या को हटाने के लिए बताओ क्या आ रहा है बट्टे के अंदर, बट्टे के अंदर हमारा आ रहा है चार। तो जो संख्या बट्टे के अंदर आ रही है उसी संख्या का गुणा कर देंगे पूरी समीकरण में, यानी यहां भी चार की गुणा कर दो, इसके साथ भी चार की गुणा कर दो, दूसरे पद के साथ भी और अंतिम पद के साथ भी चार की गुणा कर दो। ऐसा करने से होगा क्या, ये चार से चार कट जाएगा, ये चार की इससे गुणा कर देंगे तो चार एक्स स्क्वायर माइनस ये एक बचा हुआ है एक एक्स माइनस चार। तो आप चाहें तो इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें, एक ही बात है। तो अपन या करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर सॉरी चार एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स माइनस चार। तो यहां हमने क्या किया, ये इतना सा किया है कि इसको चार से गुणा करा के हमने इस तरह से इसको सॉल्व करके लिखा है। तो इस तरीके से आपको हमेशा आंसर लिखते हुए सरल समीकरण बना के लिखना है। तो आप अच्छी तरह से इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। इसका देखते हैं सेकंड वाला सवाल। देखो सेकंड वाले सवाल में आपको दे रखा है अंडर रूट दो और एक बटे तीन, अंडर रूट दो लिखा हुआ है, ये एक बटे तीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन पहले लिखेंगे, यहां पर आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है अंडर रूट दो, अल्फा गुणा बीटा का यानी गुणनफल कितना दे रखा है एक बटे तीन, ये तो दे रखा है। अब अपन सूत्र लगा देंगे द्विघात बहुपद का, क्या सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग और शून्यांकों की गुणा। मान रख दो इसके अंदर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मान कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान है अंडर रूट दो, ये देखो लिखा हुआ है। और इसके साथ अपने को क्या लगाना है एक्स जरूर लगाना है, माइनस प्लस इसका शून्यांक का योग गुणनफल कितना है एक बटे तीन। फिर से तीन हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी समीकरण में तीन की गुणा कर दो। तो इसके साथ तीन की गुणा करेंगे तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस, इसके साथ तीन की गुणा करेंगे तो तीन अंडर रूट दो एक्स, और प्लस यहां पर तीन की गुणा करेंगे तीन से तीन कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ वन बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ वन बचेगा। तो ये हो गया इसके सेकंड का आंसर। बहुत ही आसान सा तरीका है। देखो आपको क्या करना है, सिर्फ शून्यांकों का योग और गुणा दे रखा है, सिर्फ द्विघात बहुपद के सूत्र में रखना है और आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बस एक छोटी सी ध्यान रखनी है बात कि बट्टे में अगर संख्या आ रही है समीकरण में तो उसको सरल समीकरण बनाना है, जो बट्टे में संख्या आ रही है उसी की गुणा करके, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड सवाल। तीसरे सवाल में आपको दे रखा है जीरो और अंडर रूट पांच, यानी आपको यह देखा है शून्यांकों का योग ये है जीरो और शून्यांकों का गुणा यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है अंडर रूट पांच, यही दे रखा है। देखो ये होता है पहला है योग और दूसरा है गुणा, आपको दे रखा है शून्यांकों का योग और फिर लिख रखा है गुणनफल, यानी पहली जो संख्या लिख रखी है वो है योग और दूसरी गुणनफल। अपन सीधा द्विघात का सूत्र लगा देंगे, आप चाहें तो पूरा सूत्र लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल और उसके साथ एक्स और शून्यांकों का गुणनफल, चाहे आप शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते। मान रख दो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी हमारी जगह कितना है अल्फा प्लस बीटा की जगह जीरो और एक्स, प्लस ए बी का मान कितना है शून्यांकों का योग अंडर रूट पांच। तो जीरो वाला पद आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जीरो से किसी संख्या को गुणा कराने पर आ जाता है जीरो, तो आप सीधा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट पांच, ये आंसर हो गया इतना सिंपल सा। बस आपको करना क्या होता है, इस जगह ये पहली वाली संख्या रखनी होती है और दूसरी वाली जगह ये दूसरी वाली संख्या। अगला सवाल और करके देखते हैं, जैसे चौथा सवाल आपको दे रखा है एक और एक, यानी शून्यांकों का योगफल भी है एक और गुणनफल भी है एक, ठीक है। अपन द्विघात बहुपद का सूत्र लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद आप बार बार सूत्र लिखें, सवाल जितने बार भी करें आप सूत्र जरूर लिखें ताकि आपको सूत्र अच्छी तरह याद हो जाए और किसी भी तरह की गलती ना हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इसके साथ एक्स प्लस एल्फा बीटा, अब अपन इसका मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर रखना होता है, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है एक और इसके साथ एक्स,
प्लस अल्फा बीटा की जगह एक, बस आंसर ही हो गया ये, क्योंकि इसमें कोई संख्या बट्टे में आ ही नहीं रही है, सीधी सिंपल समीकरण आ रही है और कोई भी जीरो भी नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि एक आ रहा है तो भी अपन इसको हटा देंगे, एक तो लिखना ही है, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसको इतना कर सकते हैं कि एक को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स के साथ लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही तरीके हैं, ठीक है। तो ये था इसका तीसरा और चौथा बहुत ही सिंपल सा सवाल। देखो किया क्या है सवाल में, ये तो अपना सूत्र है, सिर्फ अल्फा बीटा की जगह हमने ये वाली मान रख दिया और अल्फा गुणा बीटा की जगह ये वाला मान रख दिया, बस इतनी सिंपल से तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। देखो इसका ये सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, इसमें गलती होने के चांसेस रह सकते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह कर लें। इसके बाद अपन देखते हैं इसका अगला, इसके बाद देखते हैं अपन पांचवा सवाल। पांचवा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। यहां पर आपको मान दिया माइनस एक बटे चार और एक बटे चार, देखो ये एक बटे चार ही लिखा हुआ है, चाहे इसको इस रूप में लिख दो चाहे इस रूप में लिख दो, एक ही बात है। हाँ, तो अपन देखते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा ये है आपको शून्यांकों का योग दिया हुआ, क्योंकि आपको लिख रखा है पहले योग फिर गुणा, तो योग है माइनस का एक बटे चार और गुणा है, गुणा को किससे लिखते हैं, अल्फा बीटा लिख दो या अल्फा गुणा बीटा लिख दो, ये भी है एक बटे चार, ये माइनस का है ये प्लस का है। अब अपन लिखेंगे बहुपद, क्या सूत्र होता है बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुणा शून्यांकों का प्लस शून्यांकों का गुणनफल। मान रख दो यहां आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मान कितना है माइनस का एक बटे चार, कितना है माइनस का एक बटे चार, और इसके साथ लगाएंगे एक्स। देखो ये माइनस का एक बटे चार है, तो ये तो माइनस ये सूत्र वाला है और ये माइनस संख्या के साथ वाला है, प्लस एक बटे चार। तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, एक बटे चार एक्स प्लस एक बटे चार। क्या सवाल हो गया, सवाल तो वैसे कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको कहा है सरल समीकरण में इसका आंसर लिखना है, तो यहां भी चार है यहां भी चार है, अगर अलग अलग संख्या आ जाए तब क्या करना है, दोनों संख्याओं का एलसीएम लेके और फिर उसकी गुणा कर देनी है। जैसे मान लो यहां तीन होता और यहां चार होता, तो तीन और चार का एलसीएम लेते, तीन और चार का एलसीएम होता है बारह, तो पूरी समीकरण में बारह की गुणा करते, लेकिन यहां तो सेम ही है तो पूरी समीकरण में पर क्या करेंगे चार की गुणा कर देंगे। तो देखो क्या होगा, यहां हो जाएगा इसके साथ चार एक्स स्क्वायर, चार इसके साथ, यहां चार गुणा में लिखेंगे तो चार से एक चार क्या हो जाएगा, जैसे एक बटे चार है, इसके गुणा में चार लिखेंगे तो ये चार से चार क्या हो जाएगा कट जाएगा और कितना बचेगा एक, तो यहां हो जाएगा प्लस एक एक्स, यहां भी एक बटे चार से चार कट जाएगा क्या बचेगा एक। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये, इसका सरल समीकरण में भी आंसर आ गया। तो समीकरण हमेशा जो आपको बहुपद निकालना है वो सरल रूप में निकालना है, बट्टे के अंदर नहीं आना चाहिए, तो उसको आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट पांचवा सवाल, और इसका देखते हैं अंतिम छठा सवाल। छठे सवाल में आपको दे रखा है चार और एक, सबसे इजी सवाल, ठीक है। तो अपन लिखेंगे पहले शून्यांकों का योग, यानी योगफल कितना है, योगफल को लिखते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा से, जो कितना है चार, ठीक है। वहीं अपन गुणा लिखें तो गुणा क्या है, देखो गुणा है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा जो है एक, सीधा बहुपद का सूत्र लिख लो, क्या सूत्र होता है बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके साथ लगाते हैं एक्स और प्लस में अल्फा बीटा, बस हो गया इतने में सवाल। आपको सिर्फ मान रखना है, देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, ये माइनस है इसकी जगह माइनस लगा दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह अपने को क्या रखना है अब चार रखना है और एक्स लगाना है, और फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, और अल्फा बीटा की जगह कितना रखना है एक, और आंसर हो गया अपना, सवाल ही हो गया और आंसर भी हो गया। तो देखो कितना आसान ये सवाल हो गया, यहां पर बट्टे में नहीं आ रहा इसलिए यही आंसर रहेगा, इसमें बट्टे में आ रहा था तो एक एक्स्ट्रा स्टेप किया आपने, लेकिन यहां पर बट्टे में आ ही नहीं रहा, सरल समीकरण पहले से ही आ रही है, सरल बहुपद आ रहा है, तो अपने को हल करने की जरूरत नहीं आगे किसी गुणा करने। तो इस तरीके से आप ये भी सवाल कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह का इस समीकरण में सवाल आ जाए आपको अच्छी तरह से इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो यहां पर आपने इस तरीके से निकालने सीख लिया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो रिवाइज करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीजें ध्यान रखनी है, शून्य को बहुपद होता क्या है, ठीक है, बहुपद का योगफल क्या है, योगफल होता है शून्यकों का योगफल, अपने किया था जो अपन बार बार लिख रहे हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, और शून्यकों का गुणा होता है सी बटे
ठीक है, इस तरह के अपने सवाल करके देखे थे। और इसके बाद में अपने देखा था दो घात के बाद त्रिघात बहुपद आ जाए तब शून्यंकों का योग क्या होगा, माइनस बी बटे होता है, ये सी बटे, और इसका गुणांक जो होता है वो डी बटे होता है। वो अपने सीख लिया था कि किस तरह से इसके तीन शून्यंक होंगे तो उस तरह से निकालें। और बाद में अपने ये सीखा था कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है निकालने का, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल प्लस शून्यंकों का गुणनफल, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सवाल करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्रश्नावली आपको कैसी अगर कोई प्रश्नावली में डाउट है तो वो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।